स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। स्टूडेंट्स, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में, बट हम आज पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स के बारे में और इसकी टाइप्स के एग्जांपल्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो जैसे आपको पता है, आप अच्छे से जानते हो कि पॉलिनेशन बेसिकली ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, सो पॉलिनेशन, आपको ये भी पता है, दिस इज़ अ कम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनेशन, यू हैव टू राइट इट इन योर फेयर नोटबुक ऑल्सो। सो पॉलिनेशन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज़ द सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है, ये ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का सेम प्लांट के ऊपर, या तो वो नेबरिंग फ्लावर के ऊपर गिरेंगे पोलन ग्रेन्स, या फिर सेम फ्लावर के ऊपर वो पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। सो सेल्फ पोलिनेशन में दो टाइप्स आती हैं, फर्स्ट इज़ द ऑटोगैमी, सेकंड इज़ द गिटोनोगैमी। सो ऑटोगैमी की फर्दर सब टाइप्स हैं, क्लिस्ट्रोगैमी, होमोगैमी एंड बड पोलिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ऑटोगैमी में क्या क्या होता है। सो सेल्फ पॉलिनेशन की जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब इसमें जो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो लैंड करते हैं सेम फ्लावर के ऊपर। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मीन्स कि इसमें जो पोलन ग्रेन्स जो हैं ट्रांसफर करते हैं सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी जो है तीन वे से हो सकती है, तीन तरीकों से ये हो सकती है। सो फर्स्ट इज द क्लिस्ट्रोगैमी। क्लिस्ट्रोगैमी मीन्स क्लोज्ड एंड गैमोज मीन्स मैरिज। इट मीन्स इन सम प्लांट्स नेवर ओपन टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत कई फ्लावर्स जो है बहुत छोटे साइज के होते हैं, वेरी स्मॉल साइज, सो उसमें जो पोलिनेशन है वो कई बार पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। सो इसमें जो एग्जांपल है, दैट इज़ कॉमेलिना वेंजिलेंसिस। और ये फ्लावर्स जो होते हैं ज़्यादातर बाइसेक्सुअल होते हैं, इट मीन्स जो फ्लावर के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेम ही फ्लावर पे रहता है, और ये फ्लावर बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं। दैट इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं, वो कलरलेस होते हैं एंड डू नॉट सिक्रेट नेक्टर। यू नो वेरी वेल, नेक्टर ग्लैंड जो होती हैं प्लांट में होती हैं, सॉरी प्लांट के फ्लावर में किसी भी पार्ट में प्रेजेंट रहती हैं। सो इन ग्लैंड्स को ज़्यादातर नेक्ट्रीज भी बोला जाता है। सो सेल्फ पोलिनेशन की सेकेंड टाइप आती है होमोगैमी। होमोगैमी जो है, इसमें एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द बायसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स मैच्योर एट द सेम टाइम। ये ऐसी सेल्फ पोलिनेशन है जिसमें कि जो कि पॉसिबल तभी होती है जब एंथर और स्टिग्मा जो है दोनों एक ही टाइम पे जो है वो मैच्योर होते हैं, और सेम फ्लावर के ऊपर ये जो सेल्फ पोलिनेशन होती है, और ये ज़्यादातर होती है मिराबिलिस जलापा या फोर ओ क्लॉक प्लांट जो है पोटैटो एंड सनफ्लावर में। थर्ड इसकी सब टाइप है बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन में एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट मैच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बर्ड। जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के, वो क्या होते हैं बर्ड के ओपनिंग से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं और पहले ही पोलिनेट कर जाते हैं वो। सो ये ज़्यादातर होता है वीट, राइस और पी के केस में। ओके, सो दिस वॉज द टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, दैट इज़ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी की हमने तीनों टाइप्स पढ़ ली। ऑटोगैमी मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जो है वो आपकी पॉलिनेशन हो रही है। सेकेंड इज़ द गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी में ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन की टाइप है, बट इसमें फ़र्क ये होता है कि ये सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन नहीं होती है, एक ही प्लांट में दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होती है। सो गिटोन का मतलब होता है नेवर, गैमोस मीन्स मैरिज। इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मीन्स सेम प्लांट पे ही पॉलिनेशन होगी, बट फर्क ऑटोगैमी और गिटनोगैमी में सिर्फ इतना होगा कि
दोनों में फर्क इतना होगा कि इसकी तीनों टाइप्स में जो पॉलिनेशन हो रही है वो सेम फ्लावर में हो रही है, मतलब ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर सेम फ्लावर में हो रहा है, और इसमें एक प्लांट पे दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है। अब इसमें आपकी सेकंड जो है वो आती है क्रॉस पॉलिनेशन। आपको अच्छे से पता है क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट, मतलब एक प्लांट के फ्लावर और दूसरे प्लांट के फ्लावर के बीच में जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर, वो जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी या एलोगैमी भी बोलते हैं। और जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारी टाइप से क्रॉस पॉलिनेशन होती है, हर्कोगैमी, डाइकोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टरिलिटी, डायसीजन, हेट्रोस्टाइल, ये सारे जो हैं आप बोल सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स हैं। मतलब इन सभी तरीकों से जो है क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होती है फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट। सो हम सबसे पहले आते हैं हर्कोगैमी के ऊपर। हर्कोगैमी में क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स के ऊपर कुछ मैकेनिकल बैरियर आ जाते हैं, जैसे कि स्टिग्मेटिक सरफेस जो है स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। मतलब कि जैसे हम ये दो वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, गाइनोस्टिजियम एंड पॉलिनिया, ये क्या चीज़ है। स्टिग्मा के ऊपर कुछ एंड्रोशिया जो है फ्यूज हो जाते हैं, एंड्रोशियम जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, या पोलोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पोलन ग्रेन एक मास सा बन जाता है, जिसके कारण सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन होना पॉसिबल नहीं होता है। इस कारण से हर्कोगैमी जो है कुछ बैरियर के कारण सेम फ्लावर पे नहीं हो पाती है, और इस कारण से ये क्रॉस पॉलिनेशन को पॉसिबल करती है। अब इसमें सेकंड आता है डाइकोगैमी, जिसमें कि पोलन और स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। डाइकोगैमी में क्या होता है कि जो आपके पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा की जो मेच्योरेशन है टाइमिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिस कारण से ये सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है इन प्लांट्स में। सो ये जो है डाइकोगैमी, ये बेसिकली दो टाइप की आती है, प्रोटोगाइनी एंड प्रोटेंड्री। प्रोटोगैनी वो कंडीशन होती है जब आपका गाइनोशियम जो है पहले मैच्योर हो जाता है एंड्रोशियम से, ये बाजरा के प्लांट में होता है। प्रोटेंड्री एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंड्रोशियम जो है पहले मैच्योर हो जाता है गाइनोशियम से, और ये होता है मेज के केस में। सो नेक्स्ट इसमें आता है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, इन सम फ्लावर्स व्हेन मैच्योर पोलन फॉल ऑन द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर बट फेल टू ब्रिंग अबाउट सेल्फ पोलिनेशन। होता क्या है कि कई बार कुछ फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन हैं वो रिसेप्टिव स्टिग्मा पे तो लैंड कर जाते हैं, बट वो पोलिनेशन करने में या पोलन ट्यूब बनाने में फेल हो जाते हैं, जिसको हम उस कंडीशन को हम बोल देते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें नेक्स्ट आता है मेल स्टरिलिटी, व्हेन पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम प्लांट आर नॉट फंक्शनल। कई बार जो है पोलन ग्रेन कुछ प्लांट के फंक्शनल नहीं होते हैं, जिस कारण से वो हमेशा क्रॉस पोलिनेशन कैरी करते हैं, नॉट सेल्फ पोलिनेशन। डायोसीजन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन ऑलवेज अकर व्हेन द प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस। डायोसीजम एक ऐसी कंडीशन होती है क्रॉस पोलिनेशन के अंडर, जिसमें कि ये डायोसीजम कंडीशन कई प्लांट्स में तब भी आती है जब प्लांट जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है। जैसे पपाया का प्लांट आपने देखा होगा, मेल और फीमेल जो होते हैं हमेशा रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, ये हमेशा डायोशियस कंडीशन या यूनिसेक्सुअल एक ही बात है, इस कंडीशन में ये ज़्यादातर पॉसिबल होती है। हेट्रोस्टाइलिस में लास्ट आता है, द फ्लावर्स ऑफ द सम प्लांट्स हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल। कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट के फ्लावर्स जो होते हैं उनकी स्टेमन और स्टाइल की लेंथ जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है और क्रॉस पोलिनेशन को वो कैरी करते हैं। सो ये होता है प्रिमुला लिनम के प्लांट्स में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्रॉस पोलिनेशन को कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो कैरी करती हैं। सो आपने जितना भी आज पढ़ा, मैं इसकी फोटोज़ आपको अलग से सेंड कर दूंगी, आपने इसके नोट्स जो हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में बनाने हैं। थैंक यू।